हेलो एंड वेलकम टू इकोपीडिया। आज इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब से ये जो है एमसीक्यूज़ का जो वीडियोस हैं ये कंटिन्यूसली हम इसको अपलोड करेंगे, करेक्ट। एंड एक वीडियो में हम जो है 10 क्वेश्चंस का टारगेट लेंगे, करेक्ट। तो इससे रिलेटेड अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं कि एक वीडियो में हमें 10 से ज़्यादा या कम कितना जो है टारगेट लेना चाहिए, इससे रिलेटेड अगर सजेशन देना है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड फर्स्ट हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यूज़ भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज According to R. Nurks, the inducement to invest in the context of an underdeveloped economy is limited mainly by. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये लिया गया है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। अब बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में जो नर्क्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, वो पढ़िए आप, ठीक है। तो यहाँ पर नर्क्स क्या कहते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है उसमें मेनली जो इन्वेस्टमेंट का लिमिटेशन है वो किसके वजह से होता है। तो यहाँ क्या है कि जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, नर्क्स कहते हैं कि उसमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मानते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, लो इंड्यूसमेंट लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होता है। सो राइट आंसर होगा बी, साइज ऑफ द मार्केट की वजह से जो है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होता है, करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मार्क्स एट्रिब्यूटेड द कैपिटलिस्ट क्राइसिस। अब मार्क्स का जो ये कैपिटलिस्ट क्राइसिस का थ्योरी है, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये क्वेश्चन लिया गया है मार्क्सिस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करेक्ट। मार्क्सिस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सोर्स है इस क्वेश्चन का वो यहां से लिया गया है। तो मार्क्स ने जो है इसमें कैपिटलिस्ट क्राइसिस का जो थ्योरी दिया उसमें उन्होंने कहा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसमें आपस में जो कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है, अस्तित्व को बचाने के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा नहीं, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट जो है वो घटेगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, मार्क्स हैड गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम विच कीप्स वेजेस डाउन और प्रिवेंट्स वेजेस फ्रॉम राइजिंग इवन एज डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड? तो मार्क्स ने कहा कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें जो वेजेस हैं वो कम रहते हैं, वेजेस जो है डाउन रहते हैं, उसका क्या कारण है, और जो डिमांड है वो लेबर की वो भी उसमें बढ़ती है, जो लेबर की है डिमांड वो भी उसमें है, बट फिर भी जो है वेजेस को क्या चीज़ जो है वो कम जो करने के लिए मतलब प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट्स वेजेस फ्रॉम राइजिंग, वेजेस को बढ़ने नहीं देती, तो उसका जो कारण है राइट आंसर होगा बी, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम में मार्क्स ने कहा कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों की जो है एक आर्मी जो है बन जाती है, ठीक है। तो कम वेजेस पे भी मतलब सबसिस्टेंस वेजेस पर भी लोग काम करने के लिए रेडी हैं कि वो इतने में करता मैं इतने में कर दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन वैसे वहीं से आया है, जो ये जो मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन लिया गया है, करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, मार्क्स रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज स्टैंड्स फॉर दिस कैपिटल। तो यहाँ पर मार्क्स ने जो है ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल का जो थ्योरी दिया है ये बेसिकली क्या है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। बेसिकली ये भी जो क्वेश्चन है ये भी वहीं से आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थ्योरी दी है मार्क्स ने ये भी वहीं से आया यहाँ पर, बट है ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन क्या चीज़ है। ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ये है कि मार्क्स क्या करता है, मार्क्स ने जो कैपिटल है
मार्क्स ने जो कैपिटल है उसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक को बोला कांस्टेंट कैपिटल, करेक्ट, और दूसरा उन्होंने बोला वेरिएबल कैपिटल। सो कांस्टेंट कैपिटल क्या चीज है, ये नॉन ह्यूमन है, करेक्ट, एंड वेरिएबल कैपिटल क्या है, ह्यूमन। सो नॉन ह्यूमन में क्या आएगा, नॉन ह्यूमन में आएगा आपका रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, ठीक है, जो कांस्टेंट कैपिटल है, करेक्ट, एंड जो वेरिएबल कैपिटल है वो ह्यूमन है, मतलब वेजेस, जो बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो नॉन ह्यूमन मतलब कांस्टेंट कैपिटल को सी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये रहा यहाँ पर डिनोट किया गया है, एंड वेरिएबल कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर वी से उसको डिनोट किया गया है, तो सी अपॉन वी, दैट इज राइट आंसर, कांस्टेंट कैपिटल अपॉन वेरिएबल कांस्टेंट कैपिटल, सॉरी। सो राइट आंसर इज बी, सी अपॉन वी। चलिए आगे, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स यूजेस थ्री डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब देखिए, तीन डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ किस मॉडल में है इन चारों में से, तो वो मॉडल है हेरोड का मॉडल, ठीक है। हेरोड मॉडल जो है बेसिकली जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हेरोड डोमर मॉडल जो है, ये दोनों जो है इंटीग्रेटेड मॉडल हैं, दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों मॉडल्स का जो है सेम कंक्लूजन है, बट हेरोड ने जो चीज़ एक्सप्लेन की है वो डोमर ने नहीं की, डोमर ने उसी को दूसरे ढंग से एक्सप्लेन किया है और हेरोड ने उसी चीज़ को दूसरे ढंग से एक्सप्लेन किया है, बट हेरोड का मॉडल पहले आया, डोमर का मॉडल बाद में आया है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है हेरोड ने तीन जो डिफरेंट ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिए हैं, स्टेजेस हैं, वो क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वारंटेड ग्रोथ रेट है, एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। कैपिटल जी स्मॉल ए इज एक्चुअल ग्रोथ रेट, करेक्ट, एंड दिस इज कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू इज वॉरंटेड ग्रोथ रेट, एंड जी एन कैपिटल जी स्मॉल एन इज नेचुरल ग्रोथ रेट, राइट। तो ये जो है तीन ग्रोथ रेट किसने दिए हैं, हेरोड मॉडल ने दिए हैं, डोमर ने नहीं दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंडियाज फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, तो इंडिया का जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो कौन से मॉडल को स्टडी करके इम्प्लीमेंट किया गया था, वो मॉडल था हेरोड मॉडल, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हेरोड मॉडल को स्टडी कराकर हेरोड मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है उसको इकॉनमी में जो है इम्प्लीमेंट किया। तो हेरोड मॉडल जो है बेसिकली जो है ये जो हेरोड मॉडल है 1946 में ये मॉडल आया था, ठीक है, 1946 में ये मॉडल आया, और जो हमारी पंचवर्षीय योजना है पहली वो आई थी फ्रॉम 1951 to 1956, ठीक है। तो इसका जो मोटिव था, फर्स्ट जो प्लान था इसका क्या मोटिव था, सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकोनॉमी। तो हेरोड मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी जो है इसका फर्स्ट एजम्पशन जो है वो क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। चलिए, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज, देयर इज अ मॉडल ऑफ इंटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेयर टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस बिटवीन इंडस्ट्रीज आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो ये मॉडल है वो क्वेश्चन है, ये कहता है कि ऐसा चारों में से कौन सा मॉडल है जो कहता है कि इंटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं, वेयर टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस जो हैं कांस्टेंट हैं, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं इकॉनमी में, उनका आपस में जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है वो कांस्टेंट मानता है, ठीक है। तो ऐसा मॉडल लियोंटिफ मॉडल है, सो राइट आंसर इज सी। सो
लियोंटिफ मॉडल रिप्रेजेंट्स दी इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन दी इंडस्ट्रीज इन दी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो है इंटरडिपेंडेंसीज के बारे में एक्सप्लेन करता है कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशन जो है वो आपस में कॉन्स्टेंट है, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स मेक द अजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट सेविंग इनकम रेशियो। देखिए ये जो अब आ गया, ये आया हेरोड मॉडल से, हेरोड डोमर मॉडल से। तो राइट आंसर इज सी, हेरोड डोमर मॉडल। सो सेविंग इनकम रेशियो जो है, जो सेविंग टू इनकम रेशियो है वो हेरोड डोमर मॉडल में कॉन्स्टेंट माना गया है। तो यहाँ पर जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कॉन्स्टेंट माना गया है, ठीक है, बट यहाँ हमसे सेविंग इनकम रेशियो के बारे में पूछा है। तो बेसिकली जो हेरोड का जो मॉडल है और जो डोमर का मॉडल है, ठीक है, दोनों अलग अलग मॉडल हैं, ठीक है। हेरोड और डोमर में जो है दोनों में अजम्पशन दोनों मॉडल में सेम है, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ हेरोड डोमर मॉडल लिखा हुआ है। तो अलग अलग मॉडल हैं बट दोनों सेम चीज़ कंक्लूड करते हैं, तो इसलिए जो है इनका अजम्पशन वगैरह भी सब सेम ही है, ठीक है। राइट आंसर इज सी। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज द हेरोड डोमर मॉडल इज वन ऑफ द वेल नोन मॉडल्स ऑफ ग्रोथ। विच ऑफ द टू ऑथर्स ऑफ दिस मॉडल, विच ऑफ द टू ऑथर्स ऑफ दिस मॉडल रोट अर्लियर एंड इन विच ईयर। तो मतलब पहले किसने लिखा और किस ईयर में लिखा है पहले, हेरोड डोमर, हेरोड ने पहले लिखा या फिर डोमर ने लिखा। तो राइट आंसर है हेरोड इन 1939। हेरोड का जो मॉडल है, हेरोड ने इसको 1939 में लिखा और डोमर का मॉडल बहुत बाद में आया 1946 में, करेक्ट। तो हेरोड का जो मॉडल है वो 1939 में आया पहले और फिर डोमर का मॉडल आया 1946 में, ठीक है। यहाँ डोमर भी दिया हुआ है 1946, बट 1946 जो है डोमर का काफ़ी बाद में आया था। तो लास्ट क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉडल विच इज़ कंसर्न्ड विद द गोल्डन एज इक्विलिब्रियम। तो गोल्डन एज इक्विलिब्रियम किस मॉडल का जो है कॉन्सेप्ट है, किसने एक्सप्लेन किया इसको? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बी ऑप्शन, जॉन रॉबिन्सन मॉडल। तो जॉन रॉबिन्सन मॉडल क्या कहता है, वेयर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज डेल्टा एन अपॉन एन इक्वल्स टू डेल्टा के अपॉन के, दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ गोल्डन एज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन है गोल्डन एज इक्विलिब्रियम की, जहां पर जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन डेल्टा के अपॉन के, करेक्ट। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।